सेवा ही संगठन अभियान को लेकर कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत प्राकृतिक आपदा से सिंध नदी के किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर सर्व समाज के लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया और उनको कोविड-19 से लेकर अन्य बीमारियों से बचाने के लिए भी चिकित्सकों ने उपाय बताकर तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क एवं घर पर रहने की सलाह दी और वहीं 2 गज की दूरी से रहने की भी उन्हें सलाह दी गई। भाजपा मीडिया सेंटर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश दुबे ने जखमोली टेहन गुण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशन में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए जन सेवा भाव का कार्य कर उनके लिए सभी राहत आपदा योजनाओं को संचालित कर कार्य चलाए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से दवाइयां वितरित की जा रही है और बाढ़ के बाद कई बीमारियां फैलने की आशंका है, लेकिन अभी से ही हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश दुबे ने बताया कि बाढ़ प्रभावित ग्रामीण अंचलों में नदी का पानी ग्रामीण अंचलों से उतरने के बाद बीमारियां फैलने की आशंका भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे पहले हम स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का इलाज किया जाएगा, जिसकी योजना भी बनाई जा रही है। सेवा संगठन अभियान में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर शरद यादव, विकास शर्मा, उमरी मंडल के अध्यक्ष श्याम सिंह राठौर, महामंत्री श्री सत्येंद्र सिंह राजावत, राहुल भारद्वाज और लटूरी प्रसाद शर्मा, उदयवीर सिंह कुशवाहा, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संजू सिंह कुशवाहा ने भी स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग कर लोगों को दवा वितरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। सो फ्रेंड्स, के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।